Good evening, friends, and welcome to Study for Exam. My name is Satan Gupta and I'm your educator. तो fourth part polity का आ चुका है. इसमें हम कुछ 40 questions को discuss करेंगे and as always retention रखनी है, engaged रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, discussion पे ध्यान देना है. और चलिए मेरे साथ वीडियो को शुरू करिए. और इसके अलावा आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बहुत सारे competitive exams की. इसके लिए आपको हमारा चैनल Study for Civil Services सब्सक्राइब करना है. और हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं विच आर डेडिकेटेड टू ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम लाइक यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी. तो आपकी जो भी क्वेरी आप गिवन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं. टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज वहां आपको पीडीएफ और गाइडेंस काफी मिलती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं. तो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाई द असेंबली. तो 1/6 ऑफ द मेंबर, 1/3 ऑफ द मेंबर, 1/12 ऑफ द मेंबर और 5/6 ऑफ द मेंबर. तो सदस्यों का 1/6, सदस्यों का 1/3, सदस्यों का 1/12 या फिर सदस्यों का 5/6. तो इसका सही जवाब है आपका सदस्यों का 1/3. तो द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद इज द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो इसको याद रखिएगा कि जो विधान परिषद होती है, ठीक है, इसको अपर हाउस भी बोला जाता है. कई बार आपको चैम्बर वर्ड मिल सकता है उसके साथ, ठीक है, तो ये याद रखिएगा. चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. उसका सही जवाब मैंने आपको बता ही दिया. द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इन इंडिया मे बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड बाय. तो भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को बनाया या समाप्त किया जा सकता है. प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट. राज्य विधान सभा के बाद संसद उस आशय का प्रस्ताव पारित करती है और गवर्नर ऑन रिकमेंडेशन बाय द स्टेट कैबिनेट, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा एक सिफारिश पर राज्यपाल. तो इसका सही जवाब है सर तीसरा, पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन ऑन टू द इफेक्ट. ओके, ये याद रखिएगा. अब यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि हमारी कंट्री में कितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं. काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज कुछ लोगों को इस पर कंफ्यूजन रहता है. सर टोटल 7 है, ठीक है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको उसमें 6 दिखेंगी, ठीक है. लेकिन अगर मैं प्रेजेंट के हिसाब से बात करूं तो टोटल 7 है. आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश. ओके, तो अब यहां से भी एक चीज बनती है कि जो हमारी आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल क्या है. तो आपको पता है अमरावती. देन उसके बाद बिहार की पटना, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, कर्नाटका का बेंगलोर हो गया, महाराष्ट्र का मुंबई और नागपुर. समर में ये याद रखिएगा दो चीजें बता देता हूँ. महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर चलता है, तो जब समर में बात करी जाती है तो मुंबई की बात रहती है, ठीक है, और जब विंटर की बात करी जाती है तो आपका नागपुर. इसी तरह से अगर बात करी जाए जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव पे तो श्रीनगर समर में चलता है और जम्मू आपका विंटर में, और उत्तर प्रदेश का ऑफकोर्स आपको बताया लखनऊ और तेलंगाना का आपका हैदराबाद, ठीक है. ये याद रखिएगा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं और उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं. ये रहा तीसरा, एन ऑर्डिनरी बिल पास बाय द स्टेट असेंबली कैन बी डिलेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ. तो राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक को अधिकतम अवधि के लिए विधान परिषद द्वारा विलंबित किया जा सकता है. मैं निलंबित की बात नहीं कर रहा, मैं विलंबित की बात कर सकता हूँ. तो 1 month, 1 महीना, 6 month, 3 month और 4 month, 1 महीना, 6 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने. बताइए इसका सही जवाब क्या होगा. इसका सही जवाब है आपका 4 month. ओके, ये याद रखिएगा और ये मैक्सिमम है. फोर्थ में आते हैं, विच एमिट्स द फॉलोइंग स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो निम्नलिखित में से किसके पास एक विधान परिषद है. बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और पंजाब. अगर आपने मेरा पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना है और दूसरा वाला भी ध्यान से सुना है तो आप उसका आसानी जवाब दे दोगे, बिहार है, ठीक है. और इसकी जो कैपिटल है वो हमारी क्या है, पटना, ठीक है. ये याद रखिएगा, 6 से कंफ्यूज मत करिएगा, पहले 6 हुआ करती थी, अब 7 है, ठीक है. चलिए हम फिफ्थ में आते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. हु इज द चीफ एडवाइजर ऑफ गवर्नर. तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट. तो भारतीय मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, चीफ
मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे मैं अध्यक्ष भी बोल रहा हूँ और इनको हम राष्ट्रपति भी कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चीफ मिनिस्टर। सो द गवर्नर एक्ट एज अ नॉर्मल हेड, वेयर इज द रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये याद रखिएगा, जो रियल पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर के पास ही होती है। ठीक है, ऑफ द स्टेट एंड द चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, द गवर्नर समन द सेशन ऑफ बोथ हाउस। तो गवर्नर के बारे में एक चीज और बता देता हूँ जो आपके लिए काम रहेगी, कि दोनों ही हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं, दोनों को समन कर सकता है कौन? गवर्नर। एंड वो डिसॉल्व भी कर सकता है किसको? विधानसभा को वो डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बताई, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, सिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। और सिक्स रहा ये, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द। तो राज्य विधानसभा में पूर्व की अनुमति से धन विधेयक पेश किया जा सकता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य का राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राज्य के मुख्यमंत्री, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अध्यक्ष या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो राज्य के वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब है गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर कोई भी आपका धन विधेयक नहीं आ सकता बिना परमिशन के, किसके? गवर्नर के। सो नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर। बिसाइड द एनुअल एंड द सप्लीमेंट बजट आर इंट्रोड्यूस इन द असेंबली इन द नेम ऑफ गवर्नर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैं इसको रखूंगा और ये लगभग हर पेपर में आया हुआ है। आगे आते हैं, सेवेंथ को डिस्कस करते हैं। There is no provision in the Constitution for the impeachment of the। तो महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। Chief Justice of India, Chief Justice of High Court, Governor और Vice President। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या उपाध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है आपका राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल नहीं है। अच्छा, अब बात आ जाती है राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है। तो सर जी ये करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, इनकी टर्म क्या होती है राज्यपाल की? तो सर जी ये टर्म होती है 5 ईयर। ठीक है, याद रखिएगा। एक और बात, एक राज्य का राज्यपाल दो राज्यों के लिए, मतलब कह सकता हूं कोई एक व्यक्ति दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है एक ही समय में। इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। Who was the first woman governor of a state in free India from out of the following? तो निम्नलिखित में से मुक्त भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो देखिए ये वाला तो आप सीधे सीधे गलत कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास तीन बचते हैं, तीन में से जो पहला है आपका श्रीमती सरोजनी नायडू, मिस सरोजनी नायडू, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके बारे में एक दो चीज और बता देता हूँ, ये INC की भी प्रेसिडेंट थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो बनता है वो ये बनता है कि ये गवर्नर किस स्टेट की थी। तो ये बात आती है, तो ये स्टेट था उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। डन, चलिए 9वें क्वेश्चन में आते हैं और ये रहा हमारा सामने। द स्टेट इन इंडिया आर डिमांडिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम द सेंटर इन द फील्ड। तो भारत के राज्य केंद्र से क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, विधान, प्रशासनिक, वित्तीय, उपरोक्त। तो देखिए वो सभी की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव इसमें सही है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। तो बात करी जाए अगर इसमें, तो बेसिकली स्टेट डिमांड किसका कर रहा है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, दोनों बेसिस पे स्वतंत्रता की बात कर रहा है, या बात करी जाए ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। ठीक है, जो जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब राज्य। आगे आते हैं 10वां क्वेश्चन और ये रहा हमारे सामने। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर विधानसभा। तो इसका सही जवाब है वो है आपका विधानसभा। ठीक है, ये याद रखिएगा। 10वें का चौथा होगा विधानसभा। तो इन द स्टेट द गवर्नर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं कौन? गवर्नर। एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, जो मैंने आपको बताया ही, बट रियल एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द चीफ मिनिस्टर। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर के पास होती है।
ठीक है, हु हेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं, लीड करते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इज कलेक्टिवली समुक्त रूप से, संयुक्त रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और ये जो कुछ बातें रहती है इंपॉर्टेंट होती है, इवन मैं आपसे कहूंगा जब मैं बातें बताया करूं तो सुना करो क्या ये सही है, और ये भी सुना करो कि क्या हमने ऐसा सुना है, हमने जो पढ़ा है क्या ये उस हिसाब से सही जा रहा है। चलिए हम 11वें पे आते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो राज्य विधानसभा विधान परिषदों के सदस्यों की अवधि क्या है, 3 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 9 साल। तो सर जी इसका सही जवाब है 6 साल। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि कितने मेंबर होते हैं जो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, या जो उनकी मेंबरशिप होती है वो एक्सपायर हो जाती है। तो सर जी उसका सही जवाब है आपका 1/3, ठीक है, ये याद रखिएगा कितनी होती है 1/3। चलिए आगे आते हैं 12वें पे, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज नो पावर टू, तो किसी राज्य के राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है, प्रोरोग द असेंबली विधानसभा का प्रचार करने की, डिसॉल्व द असेंबली सभा को भंग करने की, एडजॉर्न द असेंबली सभा को स्थगित करने की, और समन द असेंबली सभा को बुलाने की। तो थोड़ी देर पहले मैं समन द असेंबली बोल रहा था, तो इस हिसाब से ये तो मेरा सही हो गया, चौथा तो मेरा गलत होगा नहीं। प्रोरोग द असेंबली सही जवाब नहीं है, उसके पास ये पावर होती है। डिसॉल्व द असेंबली सभा को भंग करने का भी अधिकार होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, स्थगित करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए पास कोई पावर नहीं होती स्थगित करने के लिए, ठीक है। सो द गवर्नर समन द सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रोरोग देम, उनका प्रचार भी करता है। द गवर्नर कैन इवन डिसॉल्व द विधानसभा, दीज पावर आर फॉर्मल एंड गवर्नर वाइल यूजिंग दिस पावर मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सो जो पावर है इनको यूज भी करता है ना, तो भाई साहब वो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस माननी पड़ती है। देखो हमारे कंट्री में एक चीज बहुत अच्छी है, समझ लो सर्किल है, तो एक इसको आप हायरार्की मान सकते हो, आपको एक दूसरे के साथ ही चलना है, आप अपना अलग से कुछ नहीं चला सकते कि मान लो प्राइम मिनिस्टर के पास सुप्रीम पावर आ गई और वो कुछ भी करना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं है। गवर्नर के पास अगर पावर है तो उनके उनको भी दबाने के लिए हमारे संविधान में बताया गया है, सो लाइक वी हैव वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आते हैं 13 में, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर, तो विधानसभा के सदस्य हैं इनडायरेक्ट इलेक्टेड, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, सीधे लोगों द्वारा चुने गए, पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, तो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से राज्यपाल द्वारा नामित, या मेनली नॉमिनेटेड मुख्य रूप से नामांकित। तो देखिए इसका सही जवाब है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, हमारे यहाँ जो भी एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं, लोग उन्हें चुनते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अच्छा जी अब एक बात आ जाती है, कितनी सीट्स हैं टोटल, तो सर जी वो 500 की लिए लड़ते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। आगे आते हैं 14 पे, मनी बिल ओरिजिनेट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो जो हमारा मनी बिल है किसकी सिफारिश पर विधानसभा में उत्पन्न होता है या आता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या फिर अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है आपका राज्यपाल। अगर आप ऊपर से लेकर अभी तक मेरी बातें सुनते चले आ रहे हो तो आप ये आसानी से इसका जवाब दे देते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर की परमिशन के बिना इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 15 पे, ये रहा हमारे सामने, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई द गवर्नर, द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन दोनों को तो तुम सीधे काट देना, प्रेसिडेंट का सवाल ही नहीं उठता, वहां पे ऐसा भी कोई रोल है नहीं। सही जवाब है इसका राज्यपाल, ठीक है। तो द चीफ मिनिस्टर इन इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड इज वेस्टेड विद द मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, ये थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ज्यादातर पावर हमारे पास हमारे चीफ मिनिस्टर पास के पास होती है, और ही और शी इज इलेक्टेड बाई लेजिस्लेटर और पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन कमांडिंग ऑन असेंबली मेजोरिटी, ठीक है। तो एक तो भाई बहुपूर्ण बहुमत आ जाए तो
अदरवाइज अगर मान लो कि एक गठबंधन बना है तो इनके हिसाब से बनेगा कि कौन जाके चीफ मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनता है। और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो वो अपॉइंट किया जाता है सर गवर्नर के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और गवर्नर के बारे में भी मैंने कुछ बातें आपको आगे बता ही चुका हूँ। आगे आते हैं, 16 पे आते हैं। द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया इज कॉल्ड, तो भारत में राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद, और गवर्नर इन काउंसिल। तो इसका सही जवाब है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन ध्यान हो, दूसरा क्वेश्चन ध्यान हो, तो मैं अपर चेंबर अपर हाउस की बात कर रहा था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा, और मैंने ये बताया था कितने स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो टोटल 7 है। नाम अब आप एक बार बता दो कमेंट करके कि कितने हैं, पहले 6 हुआ करती थी, अब 6 नहीं है, अब 7 है। 17 पे आते हैं, और ये रहा 17। सो इन केस नो पार्टी इंजॉय एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, द गवर्नर विल गो बाय, तो किसी राज्य की विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा किया जाएगा द एडवाइस ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह, द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह, द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की सलाह, या उसका खुद का विवेक, हिज ओन डिस्क्रिशन। तो देखिए इसका सही जवाब है आपका हिज ओन डिस्क्रिशन, ठीक है, ये याद रखिएगा इसका सही जवाब। क्लियर हो गई बात, वो अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल करेंगे। एनी क्वेश्चन, टर्न आगे आते हैं। और 18 पे आते हैं, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, अभी अभी मैंने आपसे ये पूछा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, पार्टी का अध्यक्ष, तो सही जवाब इसका है गवर्नर, बाकी का तो सवाल नहीं होता, इनको याद रखना, ठीक है, पक्का। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, और ये रहा 19। द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द, तो भारतीय राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ मिनिस्टर, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनके पास सेम पावर होती है स्टेट में जैसे प्रेसिडेंट के पास यूनियन लेवल पे होती है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि इनकी टर्म कितनी होती है, 5 ईयर। यार आप बता दो एज के हिसाब से, बता दो मुझे क्या एज रखी गई है, ये आप बताइए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और आंसर जरूर देना, ठीक है, आंसर जरूर दीजिए, एज कितनी है गवर्नर की, हो गया। चलिए हम 20 पे आ चुके हैं और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, तो एक राज्य के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट, सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार, और किसी प्रकार की सरकार, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट, किसी प्रकार की सरकार के बिना एक स्टेट नहीं एग्जिस्ट कर सकता। देखिए टोटल 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, किसी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए 4 तत्व हैं। एक तो होता है पॉपुलेशन जिसे बोलते हैं जनसंख्या, दूसरा होता है टेरिटरी, लैंड, जमीन भी बोलते हैं, तीसरा हो गया आपका गवर्नमेंट सरकार, और चौथा हो गया आपकी इंडिपेंडेंस सोवरेनिटी या फिर स्वतंत्रता, ठीक है। तो जो पहले 2 एलिमेंट मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन और टेरिटरी, ये फिजिकल फॉर्म होते हैं, और जो दूसरा बताया मैंने आपको गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, ये स्पिरिचुअल फॉर्म होती है, स्पिरिचुअल बेसिस होता है। तो ये चारों ही जरूरी होते हैं एक स्टेट को फॉर्म करने के लिए। 4 एलिमेंट ऑफ एनी स्टेट आर पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। इज दैट अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई क्यों इसका आंसर ऐसा हुआ। आगे आते हैं, अब 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू नोट हियर हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव डन राइट, कितने क्वेश्चन आपके सही थे बताइए जल्दी से। तो अभी हम लोग 21 में आ चुके हैं और 21 को डिस्कस कर रहे हैं। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट, तो किसी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, लॉ डिपार्टमेंट, महासचिव विधि विभाग, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, और एडवोकेट जनरल, तो महाधिवक्ता। तो इसका सही जवाब क्या होगा,
इसका सही जवाब है आपका चौथा, महाधिवक्ता। ठीक है, ये याद रखिएगा, द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट इज एडवोकेट जनरल। ठीक है, आगे आते हैं 22। ये क्वेश्चन देखते हैं, जिसको भी 2014 के चुनाव याद हैं वो उसका सही जवाब दे देगा। सो एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ, तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधान मंडल की स्वीकृति के बिना एक अवधि के लिए प्रभावी होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कोई भी बता दे। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा वैसा ही आएगा, जिसको चुनाव वगैरह याद हो तो उस समय काफी न्यूज में ये पॉइंट्स थे। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है आपका 6 वीक। ठीक है, ये याद रखिएगा, द गवर्नर हैज द पावर ऑफ मेकिंग ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर टू मीट सम इमरजेंसी एंड अ गवर्नर ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट 6 वीक आफ्टर द असेंबली ऑफ लेजिस्लेटर इफ नॉट डिसअप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। 23 पे आते हैं, और ये तो मतलब दे ही देना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि जिसको भी इलेक्शन याद है वो आंसर दे सकता है। द मैक्सिमम टाइम अ पर्सन कैन कंटिन्यू टू बी द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो राज्य विधान मंडल का सदस्य बिना बने बिना अधिकतम समय तक एक व्यक्ति राज्य सरकार का मंत्री बना रह सकता है, 1 वर्ष 3 महीने 6 महीने या कोई समय सीमा तय नहीं है। देखिए जी, मोदी जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय उनके साथ यही कंडीशन लगी थी, ही वाज नॉट द मेंबर, उस समय ये काफी न्यूज में था। तो 6 महीने इसका सही जवाब होता है, 6 मंथ। ओके, अ नॉन मेंबर मे बी अपॉइंटेड अ मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ही गेट अ सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, तो उसको सिर्फ उसी अपॉइंटमेंट से 6 महीने तक के लिए ही वो मिलती है। अगर इस दौरान वो ऐसा नहीं करता तो खारिज हो जाएगा। अब बात आती है कि ये कहां मेंशन किया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 164, उस आर्टिकल के अंतर्गत ये बात है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 164, ये क्वेश्चन भी बन जाता है और बन सकता है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो बात आ जाती है। ठीक है, पक्का समझ आ गया है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टोटल असेंबली सेगमेंट इन दिल्ली आर, तो दिल्ली में कुल विधानसभा क्षेत्र है 50, 60, 70, 40, बताइए क्या होगा, तो टोटल है इसका 70। ठीक है, पक्का याद हो गया। आगे आते हैं, देखिए जो स्टैटिक है वहां तो मैं डिस्कशन नहीं कर सकता, बट यस जहां पे है मैं आपको जरूर चीजें बताता हूँ। 25 में आते हैं, इन रिलेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एक्सरसाइज, तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार अभ्यास करती है, कोऑर्डिनेट अथॉरिटी, डेलीगेटेड अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, तो समन्वय प्राधिकरण, प्रत्यायोजित प्राधिकरण, सुपीरियर अथॉरिटी या फिर स्वतंत्र प्राधिकरण, क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है आपका डेलीगेटेड अथॉरिटी, प्रत्यायोजित प्राधिकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया लोकल गवर्नमेंट हैज ओनली अ डेरिवेटिव नॉट एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, तो इनके पास एक डेरिवेटिव होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, एंड इट पावर द फंक्शन एज अ डिटरमाइन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, सो अमंग द गिवन ऑप्शन डेलीगेट अथॉरिटी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। ओके, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में कोशिश करता हूँ तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, बाकी अगर आपको इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम होती है यू कैन वॉच माई कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन आवर चैनल, सो जस्ट विजिट आवर प्लेलिस्ट, आप हमारी प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, टोटल 45 आवर की इंग्लिश ग्रामर है, एंड इट्स माई गारंटी आपका इंग्लिश का खौफ खत्म हो जाएगा, जिसको भी है सिर्फ 45 घंटे दे लो, 2 दिन भी नहीं होते। चलिए हम 26 में आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल वगैरह पे भी थोड़ा ध्यान दिया करिए, मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर इज सब्जेक्ट टू अप्रूव बाय, तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अनुमोदन के अधीन है, द प्रेसिडेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्री परिषद या फिर सांसद, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है आपका द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। ठीक है, और बात करी जाए आर्टिकल की, तो आर्टिकल है 213, तो उस आर्टिकल 213 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रोवाइड करता है दैट गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस, वह ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकता है। ठीक है,
एंड द सेम आर्टिकल स्टेटेड, वही आर्टिकल बताता है दैट वंस एन ऑर्डिनेंस इज पास, कि एक बार ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, अध्यादेश पास हो जाता है, इट शुड बी प्लेस बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली के समक्ष रखना चाहिए ऑफ अ स्टेट, राज्य की, वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, और बिफोर बोथ द हाउस, दोनों हाउस के सामने, एंड अप्रूव बाई देन विद इन 6 वीक ऑफ दियर रिस्पेक्टिव डेट ऑफ एलिजिबिलिटी. डन. तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन मैंने इसलिए आपको दोनों पॉइंट बता दिए क्योंकि दो बातें आपके सामने रखता है. हम 27 में आ चुके हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन. तो इन विच ईयर वेयर, इन विच ईयर वर द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, तो राज्यों को किस वर्ष में भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी, 1951, 1947, 1950 या फिर 1956. तो इसका सही जवाब है सर 1956 में, ठीक है. और जो हमारा पहला राज्य बना था वो मुझे आप बताओ वो कौन सा था. अगर मैं लैंग्वेज बेसिस पे बात करूं तो पहला राज्य 1956 में कौन सा बना था, जल्दी बताइए कमेंट करके बताइए कौन सा राज्य पहला था. यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आंसर दीजिए. हम 28 में आ चुके हैं और इसको देखते हैं. अपने क्वेश्चन जरूर काउंट करते जाया करो, कितने सही है कितने गलत है. द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज म्यूनिसिपल इलेक्शन अंडर, तो राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम चुनावों का संचालन नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है, आर्टिकल 240(1), 241, आर्टिकल 241(2), आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 245(d), अनुच्छेद 240(1), अनुच्छेद 241(2), अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 245(d). इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए इसका सही जवाब है आर्टिकल 243 के. ओके, तो यही जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, आर्टिकल 243 के अंतर्गत नगर निगम चुनाव का संचालन नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है. डन. चलिए आगे आते हैं, 29 को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा. थोड़ा कंफ्यूजिंग रख रहा हूं. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज विधान परिषद, तो विधान परिषद निम्नलिखित में से किस राज्य में है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश. आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं. कमेंट करके बताओ. अगर आप ऊपर से मेरे पूरा वीडियो देखते चले आ रहे हो तो आप आसानी से इसका आंसर दे दोगे. आई वॉन्ट यू टू आंसर, आंसर दीजिए जल्दी से. मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, टेक योर टाइम, डो नॉट वरी, यू हैव 30 सेकेंड, टेक योर टाइम, आप इसका आंसर जरूर दीजिए. हम आगे आते हैं और 30 पे आ चुके हैं. ये रहा 30. On which of the following issue can a governor make recommendation to the president? तो राज्यपाल निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? Dismissal of the State Council of Minister, राज्य मंत्री परिषद का विघटन, removal of the judge of High Court, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, dissolution of the State Legislative Assembly, राज्य विधान सभा का विघटन, और declaration of the breakdown of the constitutional machinery in the state, तो राज्य में संवैधानिक मशीनरी के टूटने की घोषणा. तो सही जवाब इसका क्या होगा बताइए. जो आपके सामने चार ऑप्शन है इनमें से आपको देना है 1, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4 और 1, 2, 3. बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए. इसका सही जवाब है आपका पहला 1, 3 एंड 4, डिसमिसल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है. तो इस जो मिनिस्टर है उनको हटाने का, फिर उसके बाद तीसरा होगा डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डिसॉल्यूशन एक्चुअली, एंड डिक्लेरेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. तो ये तीन चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है. ये याद रखिएगा. अब एक चीज मैं आपसे यहां से पूछना चाहूंगा, छोटी सी बात है, कि आप मुझे सिंपली बताओ कि यहाँ पे एक टर्म आया है रिमूवल ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इनको हटाया जाता है, कौन सा आर्टिकल है बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए. टेक योर टाइम, योर 30 सेकेंड, आंसर दीजिए क्या होगा. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जाता है बताइए जल्दी से. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. पढ़ा है तो आंसर देना पड़ेगा. 31 में आते हैं. कहा ये द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाई द, तो राज्यपाल को
पद की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट मत सोच लेना कि वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आते हैं, तो प्रेसिडेंट ही उनको ओथ कराते हैं, शपथ दिलाते हैं मैं भारत का नागरिक हूं, ऐसा नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कराते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये अब छोटी सी बात बस पूछूंगा आपसे, आर्टिकल कौन सा है इसके अंतर्गत, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये बात आती है बताइए। तो देखिए ये आर्टिकल है 159, कौन सा 159। सो आर्टिकल 159 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज टू टेक ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, ये याद रखना है भाई। 31 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने सही किए अभी तक आपने बताइए जरा कमेंट करके, जिसके सबसे ज्यादा सही होंगे उसका कल नाम लिया जाएगा, बताऊंगा कितने सही रहे, जरूर बताइए। आगे आते हैं, an ordinance issued by the governor has to be passed by the assembly within, तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को विधानसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए 8 हफ्ते या 8 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह, 8 वीक, 10 वीक, 12 वीक और 6 वीक। सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब है 6 वीक। ओके, और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका 213, 159 नहीं है, 213 और 243 से भी कंफ्यूज मत कर जाना, उसकी भी बात मैंने भी थोड़ी देर पहले करी थी। तो एज पर द आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एन ऑर्डिनेंस प्रमल्गेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट बिफोर बोथ द हाउस, इट सीजेस द ऑपरेट एट एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक फ्रॉम द असेंबली ऑफ द लेजिस्लेचर। Now next move to the next slide. Here is the 33. The discretionary power of a governor is limited in. तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां सीमित है। Appointed appointment of chief minister मुख्यमंत्री की नियुक्ति, dismissal of the ministry मंत्रालय का निराकरण, dissolution of the legislative assembly विधानसभा का विघटन या assent of bill। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका assent of bill। ठीक है, अब ये कैसी बात आई, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड ये द सरकारीय कमीशन एग्जामिन द स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर इन रिलेशन टू असेंट द बिल अंडर आर्टिकल 200। ये जो असेंट ऑफ बिल की बात आ रही है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आ रही है? ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आती है। ठीक है, इट व्यू दैट आर्टिकल 200 डज नॉट प्रोवाइड डिस्क्रिशन टू द गवर्नर ईदर एक्सप्रेस और बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द कमीशन ऑब्जर्व दैट द स्कोप ऑफ गवर्नर डिस्क्रिशनरी इज वेरी लिमिटेड एंड इट इज ऑब्वियस बाय द फैक्ट दैट गवर्नर कैन नॉट रिटोल असेंट और रिकंसीडर बिल। तो गवर्नर होल्ड नहीं कर सकता। 34 पे आते हैं और ये रहा 34। Who among the following is the first woman chief minister of Punjab? तो निम्नलिखित में से कौन पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी, महबूबा मुफ्ती, द्रौपदी मुर्मू, राजिंदर कौर भट्टल। तो तुम नाम सुन के, सिर्फ सरनेम सुन के ही तुम आंसर दे सकते हो, राजिंदर कौर भट्टल सही जवाब है। सुचेता के प्रणाली महबूबा बुत्ती तो मतलब बात ही नहीं करो, इनको हटा दो, और द्रौपदी मुर्मू है नहीं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कौन थी, राजेंद्र कौर भट्टल। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि ये किस पार्टी से थी, तो सर ये कांग्रेस लीडर थी, और बात करी जाए कब से कब तक थी, तो 1996 टू 1997 थी, जनवरी 1996 से फरवरी 1997 तक थी। ठीक है, और ये 14वीं सीएम थी पंजाब की। ठीक है, और अगर पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव पे बात करी जाए तो ये 8वीं फीमेल चीफ मिनिस्टर थी इंडिया की, 8वीं थी, और 14वीं किसकी थी उस समय के हिसाब से, 14वीं थी पंजाब की। ठीक है, ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी टर्म आ जाता है सिर्फ ये 13 महीने के लिए ही बनी थी। चलिए 35 में आते हैं, हियर इज 35। द मिनिमम एज लिमिट ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद, तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो बताइए 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर और 35 ईयर। तो इसका सही जवाब है आपका द
30 year. A minimum age limit of for the membership of the Vidhan Parishad is 30 year. Okay, beside to be chosen as member, a person should be citizen of India. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और उसका वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए. ये इसकी एलिजिबिलिटी है जो लगभग सबके लिए आती है. 36 में आते हैं, ये रहा. नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए. सकीना इटू, महमूबा मुफ्ती, आशिया नकास और हीना सफी भट्ट. तो सही जवाब है इसका महमूबा मुफ्ती. अक्सर ये न्यूज में रहती हैं, काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. इसमें मैं अपना जवाब नहीं दे रहा, काफी लोग बोलते हैं और काफी बार इनके स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं कि विच आर नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, बट अगेन पॉलिटिक्स है और हम उसको ब्रॉड डाउन नहीं करेंगे. 37 पे आते हैं, हियर इज 37. Who was the first woman chief minister of Uttar Pradesh? अब आंसर तुम दे सकते हो, आसान है. एनी बेसेंट, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी. तो इसका सही जवाब है सुचेता कृपलानी. एनी बेसेंट सोच के भी मत कर देना भाई, सुचेता कृपलानी है. और ये कब से कब तक थी? तो ये 1963 टू 1967 तक थी. ठीक है, अक्टूबर 1963 को ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी थी और ये पहली थी उत्तर प्रदेश की फीमेल चीफ मिनिस्टर. ये याद रखिएगा. ओके ओके. और इनके जो बात करी जाए, इनका हाईलाइट पॉइंट क्या था, तो एक बार न्यूज में काफी रही थी ये जो फॉर्म हैंडलिंग ऑफ स्टेट एम्प्लॉयज स्ट्राइक. तो जो एम्प्लॉयज थे स्टेट लेवल के, उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी. इन्होंने इसको काफी अच्छी तरीके से डील किया था. चलिए आगे आते हैं, दो तीन क्वेश्चन और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर मेंबर ऑफ, तो राज्यों के मुख्यमंत्री के सदस्य हैं. नीति आयोग, इसे NITI कमीशन भी बोल सकते हो, फिर नीति कमीशन, नीति आयोग भी बोल सकते हैं, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और इलेक्शन कमीशन. तो इसका सही जवाब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. अगर आपने पिछले वीडियो मेरे देखे हैं पॉलिटी के, तो मैंने बात करी है. राष्ट्रीय विकास परिषद के ये सदस्य होते हैं और इसे NDC के नाम से भी जाना जाता है. और ये कंप्राइज करता है प्राइम मिनिस्टर को, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, जो कि सारे स्टेट्स की बात आ जाती है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको, और जो नीति आयोग के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको ये कंप्राइज करता है, मतलब कह सकते संयुक्त करता है. और ये एक अपेक्स बॉडी है, ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक अपेक्स. ओके चलिए आगे आते हैं और 39 को डिस्कस कर लेते हैं. 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर. तो बताइए इसका सही जवाब क्या है. तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर. तो इसका सही जवाब है आपका जम्मू एंड कश्मीर. ओके, तो टोटल 7 है बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर में. और ये कौन कौन से हैं, नाम तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया है. तो 7 में आ जाते हैं आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश. बता चुका हूं ऊपर, क्वेश्चन बस थोड़े दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. दो क्वेश्चन और हैं आज के वीडियो के लिए, इनको देखते हैं फिर आज के वीडियो की समाप्ति करते हैं. द यूनियन गवर्नमेंट ऑन 22 मई 2016 अपॉइंटेड होम एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द पुडुचेरी. तो केंद्र सरकार ने 22 मई 2016 को पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया. किरण वेदी, कल्याण सिंह, राम नायक या मुकुल संगमा. क्वेश्चन पुराना है, ठीक है, लेकिन पिछले साल में आया था तो मैंने एक रख दिया 40 में. तो इसमें इन्होंने किरण वेदी को किया था और ये हमारी पहली IPS ऑफिसर भी रही है. ठीक है, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी भी थी. ठीक है, ये याद रखिएगा. लास्ट आज का, द टर्म ऑफ गवर्नर इज, बता चुका हूं आप लोगों को, ये है आपका 5 साल. ठीक है, क्या है 5 साल. अब बात आ जाती है आर्टिकल की. तो सर जी आर्टिकल है 156. तो एज पर आर्टिकल 156 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. तो आज के लिए इतना ही, टोटल 41 क्वेश्चन डिस्कस किए.
अब आप लोगों ने कितने किए ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। जिसके सबसे ज्यादा रहेंगे कल उसका नाम मैं वीडियो में सबसे पहले रखूंगा। अपने मार्क्स जरूर बताया करिए। तो मिलते हैं फिर कल। टिल देन गुड नाइट।